Hello, my name is Reza Ahmed and here I welcome you all in this amazing session, and today we are going to discuss some best questions related to equivalent resistance. So this lecture is going to be very basic to advanced level. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द सीरीज कॉम्बिनेशन, द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये लेक्चर हेल्पफुल होगा टेंथ के लिए भी और ट्वेल्थ के लिए भी, और जो भी कॉम्पिटिशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी. बेसिक से एडवांस क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ. ये अकेला एक ही लेक्चर ऐसा नहीं है, इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड. इफ़ यू वॉन्ट टू सी, जस्ट चेकआउट द स्टेटमेंट, जस्ट चेकआउट द प्ले लिस्ट, ओके, एंड यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स. सो हेयर विल गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम 5 to 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक्चर शुरू करने से पहले आई विल डिस्कस ऑल द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. वॉट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, वॉट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, होप यू ऑल नो ऑल दिस थिंग्स. अगर आपको नहीं आता है तो डू वन थिंग, प्लेलिस्ट में जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, बेसिक वहाँ से मिल जाएगा. मैं जस्ट यहाँ फटाफट बताकर निकलूँगा. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग विल यूज़ द फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. पहले देख लो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है. अगर आप रेजिस्टर्स को इस वे में कनेक्ट करते हो, वन रेजिस्टर, टू रेजिस्टर, थ्री रेजिस्टर, ओके, ऑल दिस रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड है. ये R1 का है, ये R2 रेजिस्टेंस का है और ये R3 रेजिस्टेंस का है. तो इस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा. और अगर इसी तरह N रेजिस्टर्स हमारे पास कनेक्टेड है, हमें नहीं पता कितने रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, बट N रेजिस्टर्स RN तक कनेक्टेड है, तो हम इसी को सिंपली RN तक ऐड कर देंगे, सिंपली RN तक ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे एक और बात, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में, n आइडेंटिकल मतलब एक ही तरह के रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा ज़रा वो देख लेते हैं. सो यहाँ से n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पहले हम बना लेते हैं. सो सपोज दीज आर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R, n रेजिस्टर्स है अप टू n, ओके, हमें नहीं पता कितना रेजिस्टर्स हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे. तो देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम है, सब R रेजिस्टेंस का है और सभी सीरीज में कनेक्टेड है. सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे n इंटू R, बिकॉज देयर आर n रेजिस्टर्स इन सीरीज. गॉट इट? यस. अब आगे देखते हैं, ये था सीरीज का फॉर्मूला. एक और चीज़ याद रखना, अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो हम सारे रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे. सीरीज़ में कनेक्ट करने पे हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस बना सकते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अक्वायर कर सकते हैं या फिर हम बना सकते हैं. अब पैरेलल का फॉर्मूला देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. अगर हम सारे रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करें, इस तरह से कनेक्ट करें पैरेलल, ये होता है पैरेलल, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, तो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अगर इसी तरह से n रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो प्लस डैश 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 प्लस RN तक रेसिप्रोकल करके हमें ऐड करना होगा. ये RN रेजिस्टर तक का फॉर्मूला है. तीन रेजिस्टर है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. n रेजिस्टर से पैरेलल में तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 अप टू 1/RN, इस तरह से ऐड कर देंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या याद रखना है आपको, वो समझ लो. पहली चीज़ तो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट I डिवाइड कर जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर. अक्रॉस ईच रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिवाइड करता है. ये पैरेलल का केस है, दिस इज फॉर पैरेलल. बट सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम रहेगा सारे रेजिस्टर्स में, बट पोटेंशियल डिवाइड कर जाएगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर.
करंट सेम रहेगा सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ हम समझेंगे जब क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। ऐसे डेरिवेशन अगर आप देखना चाहो इसका डिटेल डेरिवेशन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उससे आप क्लियर कर सकते हो अपना कॉन्सेप्ट। हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस को बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे सारे सर्किट्स को और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब कुछ और बातें पैरेलल के केस में देखो, अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, एक रेजिस्टर ये है और एक रेजिस्टर ये है, दो रेजिस्टर पैरेलल में हमें दिया हुआ है। सबसे पहले दोनों मान लेते हैं अलग अलग रेजिस्टेंसेस का है, ये R1 का है और ये R2 का है। मान लो कि ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से, मान लेते हैं ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो ये फार्मूला कुछ अलग फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही फार्मूला से निकल कर आया है, 1 by R1 plus 1 by R2। LCM ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा R1 R2 और ऊपर में आ जाएगा R1 plus R2, जिस ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, 1 बाई R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को ऊपर करने पे ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट, यहाँ से ये वैल्यू चला जाएगा ऊपर R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे दो रेजिस्टर्स के लिए, तीन रेजिस्टर्स के लिए भी फॉर्मूला बनता है इस तरह से, इसको बनाकर ट्राई कर लेना। बट मैं रिकमेंड करूँगा तीन रेजिस्टर्स के लिए आप यही फॉर्मूला लगाओगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बस दो रेजिस्टर्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, तीन रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला इस जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, उसे ही याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बन जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भूलने लगोगे, ज़्यादा याद रखोगे ज़्यादा भूलने लगोगे। तो जो चीज़ याद कर सकते हैं हमको उसको याद करना है। अब मान लो कि ये दोनों रेजिस्टर इक्वल रेजिस्टेंसेस के, इसका भी रेजिस्टेंस R ओम, इसका भी रेजिस्टेंस R ओम, तो इस केस में आपको याद रखना है R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R डिवाइडेड बाई जितना रेजिस्टर लगा है, यहाँ दो रेजिस्टर लगा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में जब दो रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो और दो रेजिस्टर हो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस को। अगर तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाओ, इसमें अगर एक और रेजिस्टर जोड़ दें, सबका रेजिस्टेंस सेम हो, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 3। चार रेजिस्टेंस इस तरह से लगाओ तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह से अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n। अगर n रेजिस्टर्स, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, दिस इज़ द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है फॉर टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये फॉर्मूला है फॉर थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर फोर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है, मान लो कि आपको बोल दिया गया कि मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टर है और वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, और उस तरह का 100 रेजिस्टर्स है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम, सब का रेजिस्टेंस 5 ओम है और 100 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 सिंपली आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला याद रखते जाना है, आगे हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे दो रेजिस्टर्स का केस। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक और बात, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, मैक्सिमम चाहिए तो, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सबको सीरीज में कनेक्ट करोगे, और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सबको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करने से पैरेलल में, सॉरी, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल, और सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बेसिक था। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा है, तो पहले हम डायरेक्टली एक सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन फटाफट से कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास तीन रेजिस्टर्स है, देखो, और ये तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम। आपसे बोल दिया गया बताइए R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि सीरीज़ में हम सिंपली सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 + 2 + 1, 3, 4, 5, 6 ओम, सिंपली आ गया 6 ओम। अब एक और क्वेश्चन लेंगे और इसमें एक रिजल्ट हम देखेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं,
अब इन्हीं तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट आपको समझ आ जाए इसीलिए इन्हीं तीनों को ले रहे हैं। दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तीनों अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। चलो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वी नो कि 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है 1/R1, R1 का वैल्यू 1 है, प्लस 1/R2, R2 का वैल्यू 2 है, प्लस 1/R3, R3 का वैल्यू 3 है। सो अब यहाँ से जो एलसीएम आएगा दैट इज़ 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, सो 6, 7, 8, 9, 10, 11, सो 11/6 ओम। बट ये आंसर नहीं है आपका, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 11/6 है, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6/11 ओम। इसका वैल्यू अप्रॉक्स 0 point something आएगा, 0.5 आएगा ये, सो दिस इज 0.5 अप्रॉक्स इतना वैल्यू आएगा। अब आइए यहाँ पे एक रिजल्ट हम देख लेते हैं। देखो जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे थे तीन रेजिस्टर्स को, तो तीनों रेजिस्टर में जो सबसे बड़ा रेजिस्टर था ये, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा था इन तीनों में। जब सीरीज़ में कनेक्ट करके नेट रेजिस्टेंस निकाला गया तो उससे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें मिला। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो आप सिंपली सारे रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करो, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर होगा उससे भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगा आपको। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस केस में आता है। और सेकंड केस में देखो तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। अब पैरेलल में सबसे छोटा वैल्यू है 1 ओम। अब जैसे पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो कनेक्ट करके, तो उस केस में वैल्यू आता है 0.5, जो कि इससे भी छोटा है। इन तीनों में ये सबसे छोटा था, एक बात तो ये हो गई, इन तीनों में ये सबसे छोटा था, बट जैसे ही आप पैरेलल में कनेक्ट करके निकाल रहे हो तो इससे भी छोटा वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रहा है मिनिमम। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस का तरीका है निकालने का और ये मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। किसी डिवाइस में आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ दोगे। किसी डिवाइस में आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, आप क्या करोगे, सिंपली सबको पैरेलल में जोड़ दोगे। तो ये हुई एक बात। अब हमारा जो हाउस होल्ड होता है, हमारा हाउस होल्ड वायरिंग, जो भी हम घर में अपने वायरिंग कराते हैं, वो वायरिंग हम पैरेलल में कराते हैं। इसका रीज़न ये है कि मान लो यहाँ से मान लो कि ये रेजिस्टर, ये वायर कट गया, तो जब ये वायर कट गया तो करंट यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इसमें भी करंट फ्लो नहीं करने वाला। इनकेस सिर्फ अगर मान लो एक बल्ब फ्यूज़ हुआ आपका, तो ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा। तो इस केस में तीनों का तीनों आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर डिफेक्ट है, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। बट यहाँ पर मान लो कि ये वायर फ्यूज़ हो गया, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा। करंट यहाँ से जब जाएगा, करंट I, तो करंट तीन ब्रांच में डिवाइड करेगा, यहाँ पे आ जाएगा I1, यहाँ पे आ जाएगा I2 और नीचे चला जाएगा I3। करंट यहाँ से डिवाइड कर लेगा, ब्रांच में हमेशा करंट डिवाइड होता है, तो करंट डिवाइड हो गया, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I3 फ्लो कर रहा है। I1 जैसे चल रहा था, जैसे फ्लो कर रहा था, वैसे ही फ्लो करेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। I3 भी जैसे फ्लो कर रहा था वैसे ही फ्लो करेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बट यहाँ पे क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया है, तो अब ये वाला बल्ब हमारा जलने नहीं वाला, तो सिर्फ ये वाला बुझा रहेगा, बाकी दोनों जलता रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा अच्छा ये बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब इस बल्ब में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो इसको हम सिंपली निकाल कर इसको चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिफेक्ट ढूंढना मुश्किल है, प्लस ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। ये भी फ्यूज़ जैसा दिखाई पड़ेगा, मतलब ये भी नहीं जलने वाला, सिर्फ एक सर्किट ब्रेक करने से, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट टूट जाता है ना यहाँ पे ब्रेक होने से, करंट कहीं फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम हाउस होल्ड में नहीं लगाते हैं, इस वाले कनेक्शन को हाउस होल्ड में हम यूज़ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग, याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आपको पहले तो ट्राई करना है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है पॉज करके। पहले एक दो क्वेश्चन में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद तीसरे चौथे क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट सिर्फ सर्किट से ही आंसर बनाएंगे, सिर्फ सर्किट देख करके। पहले 2-3 क्वेश्चन को समझ लो, पहले उनको बनाना सीख जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, इस तरह से दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है और इसके साथ एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा है। देखना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मान लो कि ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल है बी। इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम और इसका रेजिस्टेंस भी है 6 ओम, ठीक है।
आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो पहले मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ धीरे धीरे आराम से, फिर उसके बाद हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ये मान लेते हैं ये R1 है, R1 इज इक्वल टू 6 ओम। ये मान लेते हैं R2 है और इसे मान लेते हैं R3। R1, R2, R3 वैल्यू हमें पता है। फॉर्मूला सबसे पहले देखो, यहाँ पे करंट देखो, अगर हम मान लें ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसे मान लें हम नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है हाई पोटेंशियल से, तो करंट आई गया यहाँ पे, यहाँ जंक्शन दिखा करंट को, करंट डिवाइड कर जाएगा, I1 ऊपर चला जाएगा एंड I2 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे I1 क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इस वाले रेजिस्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले रेजिस्टर में I2 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I1 यहाँ I2 फ्लो कर रहा है। ये दोनों I1 I2 वापस से कंबाइन करेगा और I1 I2 कंबाइन करके, क्योंकि I डिवाइड कर गया था I1 I2 में, तो वापस से कंबाइन करके करंट I बन जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो जहाँ जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है वहाँ वहाँ पैरेलल, जहाँ जहाँ करंट सेम है वहाँ वहाँ सीरीज। मतलब ये हुआ कि ये दोनों, देखो ये दोनों ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है कि ये पैरेलल में है और इनके साथ ये सीरीज में है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि इक्विवेलेंट में दो पैरेलल रेसिस्टर्स को इक्विवेलेंट में निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। R1 का वैल्यू 6 ओम इंटू 12 ओम डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 6 प्लस 12 18, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर आ गया 4 ओम। बोलो सही है? यस सही है। तो इन दोनों के प्लेस पे हम सिर्फ एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, अब इन दोनों के प्लेस पे हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जो है 4 ओम का। तो लगा देते हैं ये इन दोनों के प्लेस पे सिर्फ एक रेजिस्टर, ये 4 ओम का एक रेजिस्टर लग गया, ठीक। अब इनके साथ ये वाला रेजिस्टर सीरीज में है, तो इसके साथ ये रेजिस्टर हम कनेक्ट कर देते हैं। ये रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और ये है 6 ओम का रेजिस्टर। ये टर्मिनल वैसे ही, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल है बी। अब देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया। ये दोनों पैरेलल में था, पैरेलल में था तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। इसके प्लेस पे हमने सिर्फ एक रेजिस्टर लगाया 4 ओम का, क्योंकि जितना ये दोनों मिलकर के बना रहा है उतना ये अकेला बनाएगा 4 ओम। अब ये दोनों सीरीज में आ गया, सीरीज में आपको पता है हम डायरेक्टली निकालते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। R1 प्लस R2 निकालेंगे तो इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 10 ओम। तो ये एक हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ये, बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे। एंड तक आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में सर्किट कुछ इस तरह से है, ये है फर्स्ट टर्मिनल, एक टर्मिनल ऑफ द सर्किट, यहाँ से ये गया तो एक ये है इस तरह से, ये यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सारे जगह पे रेजिस्टर लगा देते हैं। सब में 1 ओम। देखो अगर कुछ भी ना समझ आए तो करंट ड्रॉ कर लेना बैटरी से, और याद रखना जितना करंट बैटरी से तुम ड्रॉ कर रहे हो वापस से बैटरी को उतना ही करंट तुम्हें देना पड़ेगा। जितना करंट बैटरी से निकालो वापस से बैटरी में उतना ही करंट जाना चाहिए। तो ये सारा रेजिस्टेंस 1 ओम का है, आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये तीन रेजिस्टर्स ऊपर का, ये तीनों रेजिस्टर को ध्यान से देखो, क्या ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है? ठीक, ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है। क्या ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है? यस, नीचे का ये तीनों रेजिस्टर, ऊपर का ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो करंट निकाल लो। मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट भेजा आई, यहाँ से करंट, देखो यहाँ पे जो दो पाथ दिखेगा करंट को, तो करंट डिवाइड करेगा, यहाँ पे करंट चला जाएगा I1 और नीचे में करंट चला जाएगा I2। तो यहाँ पे भी करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें भी करंट I1 ही फ्लो करेगा, वापस से I1 इधर चला जाएगा, और इसमें I2 जा रहा है तो इसमें भी I2 जाएगा और इसमें भी I2 जाएगा, और वापस से I1 और I2 मिल करके
आई, हमने बैटरी से निकाला था करंट आई, बैटरी को वापस मिल गया करंट आई। अब यहाँ पे करंट आई वन आई टू डिवाइड कर गया, तो ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इस ऊपर वाले तीनों रेजिस्टर में करंट आई वन ही फ्लो कर रहा है, ये तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है आई वन का, इन तीनों में भी आई टू का सेम करंट फ्लो कर रहा है। मतलब ये हुआ कि ये तीनों सीरीज में हो गया और ये तीनों सीरीज में हो गया। फिलहाल इतना सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगर सीरीज में ये है, ये तीनों सीरीज में आकर, तो वन प्लस वन प्लस वन ये बना लेगा थ्री ओम, वन प्लस वन हो गया, वन प्लस वन हो गया थ्री ओम, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड कर देंगे। वन प्लस वन अगेन नीचे में भी क्या हो गया, नीचे में भी एक थ्री ओम का रेजिस्टर इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्मिनल निकला हुआ है, तो यहाँ से एक टर्मिनल निकाल दो, दिस इज टर्मिनल ए। यहाँ से एक टर्मिनल निकला हुआ है, तो यहाँ निकाल दो टर्मिनल बी। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है और आइडेंटिकल है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, पैरेलल में और आइडेंटिकल रेजिस्टर, सेम रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, दो रेजिस्टर है, तो 3 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2, तो इतना निकल गया आपका आंसर। बोलो समझ आ गया। ये तीनों सीरीज में था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3 ओम, ये तीनों सीरीज में था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से करंट I1 जा रहा है ऊपर में, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, I1 I2 I I1 और I2 में ब्रेक हो गया है, ये I I1 I2 में, देखो ये I I1 और I2 में ब्रेक हो गया। अब क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जितना रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई जितना कैपेसिटर, जितना रेजिस्टर्स लगा हुआ है, फर्स्ट रेजिस्टर सेकंड रेजिस्टर डिवाइडेड बाई टू, जितना रेजिस्टर्स होगा उससे डिवाइड कर देंगे। देखो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ये फॉर्मूला याद रखना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इससे भी सेम आंसर आएगा। R1 R2 दोनों बराबर हैं, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 6, ये 3 टू जार 6 आंसर आ गया 3 बाई 2। चाहे तुम इस मेथड से लगाओ, इस मेथड से आंसर निकालो, या इस मेथड से आंसर निकालो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। बोलो समझ आ गया। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप कर लेना, बट अब हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, आगे क्या क्वेश्चंस है। आगे का सर्किट भी अच्छा है, देखो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये एक टर्मिनल, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है, उसके बाद यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड है, फिर यहाँ से तीन रजिस्टर्स कनेक्टेड है, 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट रजिस्टर सेकेंड रजिस्टर एंड थर्ड रजिस्टर। यहाँ से अगेन यहाँ पे ये आ गया। सो दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, और ये भी 40 ओम, और ये हो गया 30 ओम। ये टर्मिनल एक्स और ये टर्मिनल वाई, इस टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। मान लो क्या करेंगे, अब किसी एक टर्मिनल को पॉजिटिव मानो, किसी एक टर्मिनल को नेगेटिव मान लो, या फिर अगर सिंपली आपको सर्किट दिखाई पड़ रहा है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, तो सिंपली बना लो। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या ये तीनों पैरेलल में है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3, तो 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 20, 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 40 ये बन जाएगा 2 बाई 40 प्लस ये हो गया 1 बाई 20, तो ये हो गया 1 बाई 20, सो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20 आंसर आ गया 2 बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 10। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 10 ओम, ये हमारे पास आ गया 10 ओम। तो इसके प्लेस पे इन तीनों रेजिस्टर्स के प्लेस पे हम सिर्फ एक रेजिस्टर लगा सकते हैं ना, यहाँ पे हम सिर्फ एक रेजिस्टर डाल सकते हैं, और वो रेजिस्टर होगा 10 ओम का। यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा दो। अब बताओ क्या तीनों चारों आपको दिख रहा है सीरीज़ में, ये और ये सब सीरीज़ में है। देखो ऐड कर लो 30 40 50 एंड प्लस 5 55, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 30 ओम प्लस 10 ओम प्लस ये 10 और प्लस 5 विच इज़ इक्वल 30 40 50 55 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से समझ समझ कर करना है आपको, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है इस वाले लेक्चर में।
अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे थोड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन से उनको डिस्कस करेंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ से 20 ओम का एक रजिस्टर है, यहाँ पे ये रहा, और ये यहाँ से ये रहा 30। एक सेकंड, ये रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह का सर्किट है। 30 ओम, 20 ओम एंड 10 ओम। चलिए 30, 20, 10, अब इसे कहते हैं लैडर प्रॉब्लम। इसके लिए आपको लैडर के पीछे जाना होता है। देखो टर्मिनल जहाँ पे है वहाँ से शुरू मत करना, एंड में जाओ। एंड में क्या है, 20 एंड 10, 10 एंड 20, इनको पहले सॉल्व करो। देखो क्या ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में, तो सॉल्व करो इनको। 20 प्लस 10 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, 20 प्लस 10 इज 30, तो सीरीज़ में ये हो गया, सॉल्व हो गया ये। अब इसके प्लेस पे सिर्फ एक रजिस्टर लगा लो, 20 प्लस 10 इज 30, एक रजिस्टर लगा लो, कितने ओम का, 30 ओम का, ये आ गया 30 ओम का। अब ये 30 और ये 30 पैरेलल में, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आइडेंटिकल रजिस्टर से, तो 30 डिवाइडेड बाई कितना रजिस्टर है, 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 ओम। सिंपल है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक और लैडर प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी तरह का, क्लियर भी हो जाएगा आपको। तो 10, 20, 30, ओके, ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके दिखाओ। 1, 2, 3 एंड दिस इज दिस वन, ये हो गया 18 ओम, और ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम। चलो ये क्वेश्चन भी लैडर प्रॉब्लम है, पीछे से सॉल्व करेंगे लैडर प्रॉब्लम्स को, पीछे से सॉल्व करेंगे, आगे से नहीं, पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए पीछे से, देखो यहाँ से ये दोनों, क्या ये सीरीज़ में है, ये दोनों, तो इसके प्लेस पे हम सिर्फ एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, 2 प्लस 2, ये ऐड होकर के बन जाएगा 4, और ये भी सीरीज़ में, 2, 2 एंड 2, ये हो जाएगा 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 6, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टर लगा देंगे 6 ओम का, दिस इज 6 ओम। अब बोलो देखो ये 6 और ये 6, ये दोनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, आइडेंटिकल है ना, दो रेजिस्टर्स आइडेंटिकल, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3, तो इनके प्लेस पे अब 3 ओम का रेजिस्टर लगा दो एक, यहाँ से ये हो गया 3 ओम। अब फिर देखो ये 3, ये 3 और ये 3, ये सीरीज में, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो इनके प्लेस पे अब 9 ओम का रेजिस्टर लगा दो, इसके प्लेस पे 9 ओम, दिस इज 9 ओम। अब देखो 18 और 9 दोनों पैरेलल में, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, आर वन का वैल्यू 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9, सो 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 27, 9 3 ज़ार 27, 3 6 ज़ार 18, तो 6 ओम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों के प्लेस पे हम यूज़ करेंगे एक 6 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक 6 ओम का रेजिस्टर। अब ये तीनों, ये देखो ये तीनों आ गया सीरीज़ में, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12 ओम, आंसर है 12 ओम। बोलो क्लियर है, आसान लगा अब लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम को हमेशा एंड से शुरू करो, पीछे से, पीछे सॉल्व करते हो आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझ समझ कर अगर बना 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 ले रहे हो
तो फिर आपको सीरीज में और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह का है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है आर रेजिस्टेंस का, ये आर रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टर है आर रेजिस्टेंस का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर है आर रेजिस्टेंस का, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। सॉल्व करेंगे इसको, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। बनाइए, पॉज करके बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अब आओ देखो यहाँ पे, क्या ये दोनों सीरीज में है? ध्यान दो, सीरीज में है। अगर यहाँ से करंट जाता है तो इसमें जितना करंट फ्लो करेगा उस इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, मतलब ये दोनों आ गया सीरीज में। R प्लस आर कितना हो जाएगा, सीरीज में जोड़ेंगे R प्लस आर हो जाएगा 2R। तो इनके प्लेस पे एक रेजिस्टर लगा देंगे 2R रेजिस्टेंस का। अब ये दोनों पैरेलल में आ गया, इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 इज 2R इनटू R2 इज R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R विल गिव 3R। R से R कट गया, आंसर आ गया 2R डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स इनके प्लेस पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगेगा, इनके प्लेस पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगेगा और उसका रेजिस्टेंस बनेगा 2R डिवाइडेड बाय 3। अब इन तीनों रेजिस्टर्स को देखें आप, ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में आ गया, तो सिंपली आप सबको जोड़ दो, R प्लस 2R बाय 3 प्लस R। सो R प्लस R फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया 2R, नाउ 2R डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम लेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगा 3, सो 3 टू आर 6R प्लस 2R, तो ये आ गया 8R डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज योर आंसर। यस दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल क्या है ज़रा देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट को चेंज कर दिया जाए, फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, ठीक। अब यहाँ से एक और रजिस्टर यहाँ पे लगा है, दिस इज 4 ओम का रेजिस्टर, दिस इज बैटरी, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आ गया सर्किट क्लोज्ड, 1 ओम यहाँ पे, 4 ओम यहाँ, 6, 2, 3, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। क्वेश्चन सिंपल है, टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। चलिए देखिए, देखोगे यहाँ पे ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो तीनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आएगा 6, तो दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 2, तो यह आएगा 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ गया 1। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ओम। इनके प्लेस पे एक रेजिस्टेंस लगेगा, एक रेजिस्टर लगेगा ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 1 ओम का। अब देखो ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, इधर से करंट जाएगा, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब ये तीनों में, तीनों सीरीज में आ गया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का वैल्यू 1, 4, 1, दैट इज 4, 5, 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में होगा। क्लियर, सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
तो अगला सवाल है ये, यह है अगला सवाल, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, 5, 4, 6, 5 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंटायर सर्किट। देखेंगे, सबसे पहले तो आप इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों सीरीज में दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से करंट ले जाते हैं तो इसमें और इसमें सेम करंट जाएगा ना, कहीं से भी करंट ले जाओ, यहाँ से ले जाओ तो यहाँ यहाँ दोनों सेम, दोनों में सेम ही जाएगा। दैट मीन्स इसमें तो आपका करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों सीरीज़ में है। तो इनको हम जोड़ देंगे, क्या क्या वैल्यू था इसमें, 5 एंड 4, तो दोनों जोड़ करके बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 9। ये हो गया 9 ओम। अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गया, क्योंकि अगर हम करंट यहाँ से ले जाते हैं तो इधर वाले ब्रांच में I1 चला जाएगा, इधर वाले ब्रांच में I2 चला जाएगा, करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, दोनों पैरेलल में आ गया। और पैरेलल में हमें पता है डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो यहाँ पे 9 × 6 डिवाइडेड बाई 9 + 6 इज 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। सो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 5 ओम का ये वैल्यू आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, 2, 2, 2 एंड 4। ओके, चलो देखो, ये है और बीच में ये जुड़ा है, सो दिस एंड दिस। ये सब 2 ओम का है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और बीच में ये लगा है 4 ओम का, ये है 4 ओम का रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस दिस टर्मिनल्स ए एंड बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो देखो, क्या ये दोनों सीरीज में है, क्या ये दोनों सीरीज में है, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये दोनों, यहाँ से दोनों सीरीज में, तो 2 + 2 सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 4, ये तो 4 है ही सीरीज में, और ये सॉरी ये 4 है ही सीधा में, और ये भी 4, तो ये मिटा देंगे और यहाँ पे बना देंगे एक 4 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे बना देंगे एक 4 ओम का रेजिस्टर। तो तीनों रेजिस्टर देख लेना पैरेलल में आ जाएगा, यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे भी एक 4 ओम का रेजिस्टर, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। अब क्योंकि तीनों रेजिस्टर 4 ओम का है और तीनों आइडेंटिकल है, तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ करो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 / 3, क्योंकि 4 है, सारा आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है और तीन रेजिस्टर्स लगाए पैरेलल में, तो 4 / 3 ओम, यही इसका आंसर हो गया। चलो आगे सॉल्व कर सकते हो तुम, R1 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके, इतना ही आंसर आएगा, या R1 प्लस, तीन रजिस्टर था ना तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 वो कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं। अब इसमें हम आपको कुछ नया चीज़ भी सिखाएंगे। ये हमारे पास एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, इसका है 12 ओम, इसका भी 12 ओम। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो 12 + 12 + 12, ये आ जाएगा आंसर, 36 ओम। बट अगर हम यहाँ से एक वायर ले लें, वायर्ड कनेक्शन कहते हैं इसे, और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दें, फिर यहाँ से एक वायर निकालें और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दें, और ये टर्मिनल मान लें टर्मिनल ए और इस टर्मिनल को मान लें टर्मिनल बी, अब बताना है आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा। अब क्वेश्चन हो गया टफ, अब क्वेश्चन टफ हो गया,
अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है ये सीरीज़ में है या पैरेलल में, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। क्योंकि करंट अगर करंट डिवीज़न यहाँ पे यूज़ कर लेना करना तो कन्फ्यूज़ हो जाना। करंट डिवीज़न अप्रोच यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल वाला अप्रोच यूज़ करेंगे। करना क्या है अब सुनो, किसी एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल मान लो और किसी एक टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल मान लो। हम मान लेते हैं इसे पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, और इसे मान लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, जब भी आप पॉजिटिव टर्मिनल से वायर कनेक्ट करो तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा जब तक वायर में कोई सर्किट एलिमेंट ना आ जाए। सर्किट एलिमेंट अब क्या होता है, जैसे इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो, कुछ भी, कोई भी सर्किट एलिमेंट जब तक ना आए तब तक उसका पोटेंशियल बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ नहीं होगा, पोटेंशियल तब तक सेम रहेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से आगे देखो वायर है, यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, तो इस कनेक्शन में जो पोटेंशियल यहाँ पे सेम पोटेंशियल यहाँ भी होगा, क्योंकि इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं आया है, जैसे रेजिस्टर वगैरह तो यहाँ पे नहीं आया है, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम एक रेजिस्टर है यहाँ पे, तो अब पोटेंशियल चेंज कर जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अब अगर अलग होगा, अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर आ गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिंपली एक वायर होता, तो जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ पे होता, बट यहाँ पे क्योंकि एक रेजिस्टर आ गया है तो इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ये भी वायर है, ये वायर है इस तरह से, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर वगैरह नहीं है, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है सेम पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट का आएगा। मतलब अगर ये प्लस पे है, पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, समझ रहे हो, मतलब हाई पोटेंशियल हो गया वो। अब देखते हैं, अब उधर से शुरू करते हैं, ठीक। नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे वायर में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का ही पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, जो ये वही है। अब अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टर आ गया, सर्किट एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल अब सेम नहीं रहेगा, ये नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल पॉजिटिव आया, यहाँ से अब इसका पोटेंशियल चेंज हो गया। देखो क्योंकि नेगेटिव से आगे बढ़ोगे तो रेजिस्टर आ रहा है, तो अब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, यहाँ से पता चला हमें। अब दूसरे वे में जाते हैं इधर से, यहाँ से देखो, यहाँ से वायर में आगे बढ़ेंगे कुछ भी नहीं मिल रहा हमें यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल इस पॉइंट का सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का है। अब आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना रेजिस्टर्स है आपके पास, जो भी रेजिस्टर्स है सबको इसको अरेंज कर लो। यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज़ आवर पॉजिटिव टर्मिनल, और इसे मान लेते हैं दिस इज़ आवर नेगेटिव टर्मिनल। अब जितना भी रेजिस्टर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सबको अरेंज करो। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टर है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो एक रेजिस्टर पहले तो यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं, ये है 12 ओम, यह है 12 ओम का एक रेजिस्टर प्लस और माइनस के बीच में। अगेन प्लस और माइनस के बीच में दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे है, तो अगेन हम इसके ऊपर एक और पैरेलल में लगा देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में ही है 12 ओम, ये हो गया। अब एक और रेजिस्टर है यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में, तो प्लस माइनस के बीच में यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा देते हैं। अब हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये रेजिस्टर्स अब पैरेलल में आ गया, इजंट इट। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, तो 12 / 3 आंसर आ जाएगा 4 ओम। बात सही समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसे यूज़ कर लो, समझ गए। चलो अब इसी में अगर हम वैल्यूज़ चेंज कर दें और कुछ और वैल्यूज़ दे दें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब हम कुछ और वैल्यूज़ दे देते हैं, हम यहाँ पे इस वायर में 12 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक 12 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक 12 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, अब पहले जैसा क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब यहाँ पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नीचे भी पहले कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे ऊपर में भी 12 ओम नीचे भी 12 ओम का रेजिस्टेंस लग गया है। अब आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केसेस में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसका डेरिवेशन यानी सिखाऊंगा, सिंपली मैं एक अप्रोच बता दूंगा, बस वो हो जाएगा आपके लिए, आप समझ जाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका अगर डिटेल लेक्चर चाहिए आपको तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना।
व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन के लिए या फिर आपके ट्वेल्थ के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इसे, व्हीटस्टोन ब्रिज। आओ देखते हैं, पहले तो वही हम पोटेंशियल अप्रोच लगा लेते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो सबसे आसान तरीका है पोटेंशियल अप्रोच। देखो सब में पोटेंशियल ड्रॉप देखो, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे वायर में कुछ भी नहीं है तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया है तो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अब अलग अलग होगा क्योंकि बीच में एक आ गया रेजिस्टर। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ आगे बढ़ेंगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल वही जो यहाँ पे होगा मतलब नेगेटिव। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया मतलब अब इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इधर भी आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टर आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी चेंज हो गया। अब देखो कितना ऐसा कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमने पोटेंशियल नहीं मेंशन किया है, तो दो ही पॉइंट्स हमें दिखाई पड़ रहा है, ये और ये। तो अपने मन से कुछ भी पोटेंशियल मान लो इनका, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं एक्स और इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं वाई, कुछ भी अपने मन से मान लो। अब जितने जिसके जिसके बीच में जो जो पॉइंट्स में आपने लगाया है पोटेंशियल, सबको उस पॉइंट में अरेंज करो। जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मान लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, दिस इज आवर पॉजिटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल है तो इसे मान लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। पहले इनके बीच में देखते हैं कितना रेजिस्टर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डायरेक्टली कोई भी रेजिस्टर नहीं है। पॉजिटिव और एक्स के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है, एक्स और नेगेटिव के बीच में है, वाई और पॉजिटिव के बीच में है, उसी तरह से वाई और नेगेटिव के बीच में है, मतलब वाई और एक्स देना ही पड़ेगा। तो वाई और एक्स हम कुछ इस तरह से लगाते हैं, इसे मान लेते हैं ये है एक्स और इसे मान लेते हैं ये है वाई। अब कैसे समझ में आएगा कि एक्स और वाई इसी तरह अरेंज करके लिखना है? देखो एक बात पकड़ लो, जब भी आपको क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4, 5 या 6 रेजिस्टर्स जब भी लगा कर दे और कुछ भी समझ में ना आए तो ज़्यादा चांसेस होता है, 80-85-90% चांसेस ये होता है कि वो क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से ही है। तो पहले ये अरेंजमेंट करके देखना है, प्लस माइनस यहाँ लगा देना और जो बच गया एक्स वाई ऊपर नीचे लगा देना और रेजिस्टर्स को इसमें अरेंज करके देखना। अगर कुछ और भी आता है तो उसके लिए अलग पॉइंट इधर बना लेना, एक अलग पॉइंट इधर बना लेना अगर कुछ और आता है तो, ऐसे आना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, अब देखो जो जो रेजिस्टर है जो जिन जिन पॉइंट्स के बीच में सबको यहाँ पे हम रखेंगे। प्लस और एक्स के बीच में एक रेजिस्टर, ये है प्लस ये है एक्स, ठीक है, तो इसके बीच में एक रेजिस्टर है हमारे पास, ठीक, ये काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो x और y के बीच में एक रेजिस्टर है, x और y के बीच में एक रेजिस्टर, ये आ गया, ठीक है, x और y के बीच में, इसका भी काम खत्म हो गया। y और माइनस के बीच में एक रेजिस्टर, y और माइनस के बीच में एक रेजिस्टर, ठीक है, ये भी हो गया, इसका भी काम खत्म। अब ये रेजिस्टर बचा, ये किसके किसके बीच है? ये है पॉजिटिव और y के बीच में, पॉजिटिव और y के बीच में यहाँ पे ये रेजिस्टर ऐसे आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया। इसको देखो x और नेगेटिव के बीच में, x और नेगेटिव के बीच में ये रेजिस्टर आ गया। अब सारा रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 ओम का ही है, ये भी 12 ओम का ही है और ये भी 12 ओम का है। अब कैसे पहचानोगे ये व्हीट्स? देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, जब भी इस तरह का शेप आ जाए, काइट का शेप, पतंग का शेप आ जाए, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे ही कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें एक कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? क्या होता है? देखो दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस का रेशियो सेम होना चाहिए, या फिर दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस का रेशियो सेम होना चाहिए, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देख लो क्या बोल रहे हैं हम, पहले दिस बाई दिस, दिस बाई दिस क्या हो जाएगा 12/12, क्या है आंसर 1, दिस बाई दिस ये क्या हो जाएगा 12/12, आंसर क्या है 1, दिस बाई दिस का भी आंसर 1 है एंड दिस बाई दिस का भी आंसर 1 है, मतलब 1 = 1, मतलब ये दोनों आ गया इक्वल, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, 1 इज इक्वल, ये भी वैल्यू 1 आया, वो भी वैल्यू 1 आया, तो ये बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। या फिर एक और कंडीशन है, दिस बाई दिस ये दोनों यहाँ से, ये चाहे इस तरह से डिवाइड करो या फिर इस तरह से डिवाइड करो, दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे ये भी करोगे तो 12/12 1 आएगा, 12/12 1 आएगा, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है।
बैलेंस कंडीशन क्या होता है? बैलेंस कंडीशन ये होता है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो उस केस में इस वाले ब्रांच में, बीच वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से अगर करंट जाएगा तो ये करंट सीधा यहाँ जा कर के इधर आ जाएगा, बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा तो ये करंट इधर डिवाइड नहीं करेगा, ये करंट वापस इधर चला आएगा। अब ये इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। हम बोलते हैं पोटेंशियल एट एक्स, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई, इस वाले पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। देखो करंट जब भी फ्लो करता है तो हमेशा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, अगर पोटेंशियल एक पोटेंशियल ज़्यादा और दूसरा पोटेंशियल कम ना हो, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, दोनों बराबर है, तो पोटेंशियल करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर ये ज़्यादा होता ये कम होता तो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करता, अगर ये हायर होता ये लोअर होता तो हायर से लोअर इधर करंट फ्लो करता। तो करंट तभी फ्लो कर सकता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं मतलब करंट फ्लो करेगा नहीं। जैसे यहाँ देखो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस आ गया, मतलब ये बीच वाला जो रेजिस्टर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस करने से अगर ये इक्वल आ गया तो बीच वाले रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस वाले रेजिस्टर को लगाना बेकार है। ठीक है, ये है बेकार सर्किट, इसको हम हटा देंगे। अब हटाने के बाद, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, हटाने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, ये नेगेटिव टर्मिनल ये रहा, हमें ए और बी के बीच में ही निकालना था, तो ये ए है, ये वाला टर्मिनल ए है और ये नेगेटिव टर्मिनल बी है। अब देखो ए और बी के बीच में ये दोनों सीरीज़ में आ गया, 12 + 12 क्या हो जाएगा 24 ओम, ये दोनों भी सीरीज़ में आ गया क्या हो जाएगा 24 ओम। ऊपर में ये 24 ओम का रेजिस्टर, नीचे में ये 24 ओम का रेजिस्टर, दोनों पैरेलल में है। अब दोनों पैरेलल में है तो आंसर क्या होगा 24 / 2, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर से काट दो, आंसर आ जाएगा 12 ओम। बोलो समझ आया? तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन मैंने लिया था आपको समझाने के लिए, होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार ट्राई कर लेना घर पे, अपने से खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये समझ आ जाएगा, ईजी है। और भी बहुत क्वेश्चंस है व्हीटस्टोन ब्रिज के, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेक्चर में मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस करा दूँ, फिर बाकी जो भी क्लास में लूँगा इस पर तो मैं वीडियोस इस तरह से अपलोड करता रहूँगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन है, ये टर्मिनल ए एंड ये टर्मिनल है बी, ये है 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, and 1 ohm। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसमें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए और बी के बीच में फाइंड करना है। अब यहाँ से शुरू करोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो आप पीछे जाओ। यहाँ से देखो क्या ये दोनों सीरीज़ में दिखाई पड़ रहा है आपको, 1 and 1 सीरीज़ में है, 1 + 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, और 2 को यहाँ कनेक्ट कर दो इधर, ये हो गया 2 ohm। अब फिर देखो ये 2 ohm और ये 2 ohm क्या ये पैरेलल में दिखाई पड़ रहा है आपको, दोनों पैरेलल में है, तो 2 + 2 पैरेलल में 2 ohm और 2 ohm दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ohm, 2/2 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है। तो यहाँ पे 2 ohm का एक रेजिस्टर, 1 ohm का एक रेजिस्टर लगेगा, यहाँ पे 2/2 हो जाता है ये। अब देखो अगेन ये दोनों फिर से सीरीज़ में आ गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो पीछे से सॉल्व करते जाओ, इजीली सॉल्व होता जाएगा। तो 1 + 1 यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टर जोड़ दो 2 ohm का, दिस इज़ 2 ohm। अब 2 and 2 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 and 2 का 2/2 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 ohm का एक रेजिस्टर जोड़ दो। अगेन ये दोनों देखो 1 + 1 सीरीज़ में 2 हो गया, तो इसको हटाओ और यहाँ पे अगेन 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 ohm। अब ये 2 ohm और 2 ohm पैरेलल में अगेन, तो सिंपली सारे रेजिस्टर को हटा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या हो जाएगा 1 ohm, क्योंकि 2 2 पैरेलल में था, 2/2 1 ohm, सिंपल सा सर्किट था ये। आई होप समझ आया होगा आपको। अब आप क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई भी सिंपल क्वेश्चन सिंपल सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है ये,
आर 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 टर्मिनल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है क्या है ए और बी के बीच में, क्या ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है, क्या ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। देखो करंट डिवाइड करके देखो, ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है सीरीज़ में है करंट, अगर यहाँ से आई जाता है तो आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, मतलब ये सब सीरीज़ में है। आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, वन टू थ्री फोर, फोर आर इसका आंसर होगा, सिंपली सिंपल होगा ये, ठीक है, फोर आर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको कर लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगले लेक्चर में देखो क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ और टफ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन रहेगा, पोटेंशियल मेथड का कुछ क्वेश्चंस लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे, फिर उसके बाद करंट डिवीजन मेथड आपको बताएंगे किस तरह से, जो ओम्स लॉ लगा करके आपको पूछा जाता है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो ये सब क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उसका भी मैट्रिक बताऊंगा आपको वो किस तरह से बनाते हैं उनको, और भी बहुत कुछ आएंगे उसमें चीज़ें जिसको मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।